अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल। अच्छा, आज की वीडियो में हम लोग सुनीसा की फाउंडेशन ट्राई करने वाले हैं। अब सुनीसा की फाउंडेशन के आप लोगों ने जो रिव्यूज़ हैं वो ऑलरेडी टिकटॉक पे देखे होंगे। ये देखें जी, डब्बा इसका कुछ इस तरह से दिखता है। मोस्टली ना कोरियंस इसको यूज़ करते हैं और इसको यूज़ करने के बाद उनकी स्किन इतनी प्यारी लगती है, बिल्कुल वो जो ग्लास लाइक स्किन लाइक फिनिश होती है ना, वो आती है। मैंने अपने इर्द गिर्द कुछ लोगों के रिव्यूज़ देखे हैं, कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगी है, कुछ लोगों को सो लगी है और कुछ लोगों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो आज हम लोग मिल के ट्राई करते हैं। मैंने, आप चेक करें, इसको अभी तक ना खोला भी नहीं है, तो आज मिलके हम लोग इसको खोलेंगे, ट्राई करेंगे और मैं आप लोगों को इसका डेमो दूंगी। चेक करते हैं कि यार इसकी जो हाइप है वो रियल है या फिर नहीं है। बिल्कुल 100% ऑथेंटिक रिव्यू होगा। ये मैंने दराज से ऑर्डर की थी, नीचे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर लेनी हुई तो वहाँ से आप ले सकते हो। तो सबसे पहले तो इसको खोलते हैं हम लोग, ठीक है जी। इस तरह से आप लोगों को ना ये डब्बे में मिलती है और मेरे ख्याल से इसमें आपको स्पंज भी मिलता है। हाँ जी, स्पंज भी इसी के साथ आपको मिलेगा। ये इसका बॉक्स आ गया, डब्बा ही नहीं खुल रहा मेरे मेरे से डब्बा ही नहीं खुल रहा। खुल गया फाइनली डब्बे के अंदर। यहाँ पे ये फाउंडेशन है और इस साइड पे आप लोगों को स्पंज नजर आ रहा होगा। ये दोनों चीजें आपको इसके अंदर मिलती हैं। ये फाउंडेशन की डिब्बी आ गई और ये आ गया जी हमारा स्पंज। मैंने ऑलरेडी ना पानी ला के रख लिया था ताकि हम इसका जो स्पंज है ना वो भी टेस्ट कर लें कि ये थोड़ा सा मतलब फूलता है या नहीं फूलता है। ये कुछ इस तरह से इसकी पैकेजिंग है। इसको हाँ ऐसे खोलेंगे। वाओ स्पंज को भी चेक करें, कितने अच्छे से उन्होंने इसके अंदर पैक किया हुआ है। पैकेजिंग तो बहुत फिट है यार इसकी। ये हमारा स्पंज आ गया, कुछ इस तरह से दिखता है, बहुत ही क्यूट सा। यहाँ से पकड़ के आप इसको ना ऐसे ऐसे करके अप्लाई करोगे। बिफोर आप लोग ना इसका साइज चेक कर लें। ये है अब पानी में इसको डिप करने के बाद, लेट्स सी कि इसका साइज इंक्रीज होता है। जी बिल्कुल इसका साइज इंक्रीज हो रहा है। वेट अ सेकेंड, एटलीस्ट ना एक मिनट के लिए तो आपको डिप करके रखना पड़ता है। यार बहुत ही सॉफ्ट स्पंज है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये इतना अच्छा निकलेगा। मुझे लगा था यार ये ना खिलौना टाइप की चीज़ होनी है, पर नहीं, गुड सीन है। जितना भी पानी था वो हमने इसके अंदर से अच्छे से ना निकाल लेना है। आफ्टर चेक करें, बिफोर भी मैंने आप लोगों को दिखाया था और आफ्टर भी देख लें, और ये बहुत ही सॉफ्ट स्पंज है। उसके बाद चलते हैं जी फाउंडेशन की तरफ। फाउंडेशन हमारी डिब्बी कुछ इस तरह से दिखती है। बॉक्सिंग इसकी अच्छी है और इसके अंदर ना आपको शेड्स नहीं मिलते, सिर्फ एक ही शेड है। मेरे ख्याल से ना ये ज़्यादा जिनकी वाइट स्किन टोन होती है, पेल वाइटिश सी स्किन टोन, उनको सूट करेगा। इसके फ्रंट साइड पर ना इस तरह से ये मिरर आ गया ताकि आप आराम से ऐसे करके ही ना फाउंडेशन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आराम से इस तरह से ही इसको अप्लाई कर लो। कैप इसका ऐसे करके रिमूव हो गया और ये आ गई जी हमारी फाउंडेशन। पास से आप लोगों को दिखाती हूँ। मुझे भी ना आप लोगों के जितनी ही एक्साइटमेंट है क्योंकि मैंने भी पहले ट्राई करके नहीं देखी है। अच्छा जी, लेट्स सी। चेक करो यार कितना मजे का डिजाइन बना है। अब हम इसको करते हैं जी अप्लाई विदाउट एनी फिल्टर। आप लोगों को दिखा रही हूँ मेरी स्किन पे एक्नी मार्क्स है। लेट्स सी ये इनको हाइड करता है नहीं करता है, क्या सीन होता है। स्मेल बहुत अच्छी है इसकी, बिल्कुल। मैं आप लोगों के सामने ना विदाउट एनी कट्स इसको ब्लेंड कर रही हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि इस फाउंडेशन का क्या सीन है। यार एप्लीकेटर तो बहुत ही मज़े का है और फाउंडेशन की आप लोग फिनिश चेक करें। ओहो हो, इस साइड पे ना ज़रा अच्छे से मैं आपको अप्लाई करके ना फिर दोनों साइड्स का कंपेरिजन दिखाती हूँ। फॉरहेड पर भी अप्लाई कर लेंगे। मेरे रूम में ना फ्रिज है, अभी ऑन होती है ना तो इसकी घूम घूम कंप्रेसर की शुरू हो जाती है और पीछे फिर साउंड आती है। मैं इसको बंद भी नहीं कर सकती क्योंकि फ्रीजर में ना मैंने फ्रोजन फूड ला के रखा हुआ है, वो सारा ना ख़राब हो जाना है। बहुत प्यारी सी ना इसकी स्किन लाइक फिनिश है। अब मैं आप लोगों को ना दोनों साइड्स का कंपैरिजन दिखा रही हूँ, बिल्कुल स्टिल होके बैठती हूँ और अब आप खुद चेक कर लें। ये हमारी साइड आ गई जी फाउंडेशन वाली और ये हमारी साइड आ गई जी विदाउट एनी फाउंडेशन। फ्रंट से भी देख लें, आप लोग खुद देखें कि मुझे ना अब कंसीलर की भी ज़रूरत नहीं है। इसने मेरे डार्क सर्कल्स को भी कितना अच्छे से कवर किया है और कितनी प्यारी सी मेरे फेस के अंदर शाइन आ रही है। कितनी मज़े की इसकी वाकई वो जो स्किन लाइक फिनिश होती है ना, ग्लास स्किन टाइप की फिनिश, उस टाइप की फिनिश आ रही है। और जितने भी मार्क्स हैं ना मेरी स्किन पे वो भी सारे इसने कवर कर दिए हैं। कवरेज अच्छी है, फिनिश अच्छी है, आई लाइक इट। अब इसके ऊपर ना हम लोग मेकअप भी करके देखेंगे कि इसके ऊपर जब हम मेकअप अप्लाई करते हैं तो हमारी फाइनल लुक किस तरह से निकल के आती है। ज़रा पास से भी आप लोगों को दिखा देती हूँ, दोनों साइड्स देखें।
कितनी प्यारी सी शाइन दे रही है यार ये मेरी स्किन को। बाकी का जो मेकअप है वो भी हम इसके ऊपर करके देख लेते हैं कि बाकी का मेकअप कैसा इसके ऊपर सेट होता है, कैसा अप्लाई होता है और फाइनल लुक हमारी क्या निकल के आती है। अब इसके बाद ना मैं अपने फेस को करूंगी जी सेट। ये मैं ले रही हूँ एयरस्पन का लूज पाउडर, इसके साथ फेस को सेट कर दूंगी। मेरा फेवरेट लूज पाउडर है। सेट करने के बाद भी आप देख सकते हैं कि मेरी जो स्किन है ना वो स्टिल शाइन कर रही है। ऐसा नहीं है कि सेट करने के बाद बिल्कुल मैट हो गई है, वो जो शाइन है ना ग्लो है इस फाउंडेशन का वो अभी भी आप लोगों को नजर आ रहा होगा। ये मैंने ना क्रिस्टीन का आई शेडो मंगवाया, नंबर है जी CN05। ये क्रिस्टीन का आई शेडो है लेकिन यकीन माने ये एज अ ब्लश इतना प्यारा काम करता है। हर चीज़ का लिंक ना आप लोगों को नीचे दराज शॉप में मिल जाएगा, वहाँ से जाके लेना हो ले लो, अदरवाइज वैसे आपने किसी बाज़ार से मार्केट से लेना है, जहाँ से आपका दिल करता है वहाँ से ले लो। मैं सिर्फ आप लोगों को लिंक अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रही हूँ, आपकी अपनी मर्जी है। ब्रश मेरे कहाँ पड़े हुए हैं, हाँ ये रहे, चेक करिएगा यार ये इतना प्यारा ब्लश है, ये इतना प्यारा ब्लश है और बहुत पिगमेंटेड है, चेक करो। मैंने ना ओवर ब्लश कर लिया मुझे पता है, लेकिन मुझे ना ब्लश लगाना बहुत अच्छा लगता है और मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं रहता जब मैं ब्लश अप्लाई करती हूँ। यार चेक करो ये इतना पिगमेंटेड है, मैंने गिरने लगा था, मैंने हल्का सा ऐसे सिर्फ टच किया है, मैंने कोई प्रेशर नहीं दिया, बस मैंने ऐसे ना ब्रश को टच किया है और इसकी पिगमेंटेशन चेक करो आप लोग। उसके बाद जी मैंने क्रिस्टीन का ही ये आई शेडो ऑर्डर किया था, अगेन इट्स एन आई शेडो पर ये एज अ हाइलाइटर इतना प्यारा काम करेगा। इसका शेड है जी CN14। एवरीथिंग इज लिंक्ड इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब आपने पूछना नहीं है कि कानत कहाँ से लेनी है कहाँ से लेनी है, हर चीज़ मैंने आप लोगों के लिए लिंक कर दिया है। थोड़ा सा मैंने इसको लेना है जी ब्रश पे और इसको भी चेक करना, बस खुद चेक करना है आपने, ये चेक करो। और ये इतना सस्ता है ना यार, ये मेरे ख्याल से 200 समथिंग का आपको मिलता है, ये भी और ये भी। इसी ब्लश शेड को मैं आंखों पे अप्लाई कर रही हूँ और ये जो फाउंडेशन है ना ये सब बोलते हैं कि वाटरप्रूफ है, तो हम लोग जरा ना एंड पे स्प्रे करके पानी का एक वो भी चेक करेंगे कि ये ट्रांसफर हो रही है नहीं हो रही है। इस रोज की आईब्रो वॉन्ड यूज कर रही हूँ, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, हल्का सा आईब्रोज को फिल कर लूंगी। हर चीज में मैं बोलती हूँ हल्का सा और हल्का हल्का करके ना भारी सा हो जाता है। आईलैशेस को कर्ल करके मस्कारा लगाते हैं, हम लोगों ने लगा लेना है जी मस्कारा, टार्ट का मस्कारा यूज कर रही हूँ। मैंने ना इतने टाइम से यूट्यूब वीडियो बनाई नहीं है तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं भूल गई हूँ कि यूट्यूब वीडियो कैसे बनाते हैं। यार ये क्रिस्टीन की लिपस्टिक मैंने ऑर्डर की थी, इसका ना मैंने इंस्टाग्राम पे बताया लेकिन यूट्यूब पे नहीं बताया। ये 136 शेड है क्रिस्टीन का। मैंने ना क्रिस्टीन से काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर की थी और मैंने इसीलिए ऑर्डर की थी ताकि आप लोगों को ना मैं अच्छी अच्छी सी सस्ती सस्ती सी रिकमेंडेशंस दे सकूं। अब इस लिपस्टिक की ना आप लोग लुक चेक करिएगा, चेक करें यार कितना खूबसूरत ब्राउन न्यूड सा शेड है। अब हम ना इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये जो है वाटरप्रूफ है या नहीं। इसी में से पानी में ऐसे करके लगाऊंगी, अरे पानी गिर ही नहीं रहा। अच्छा यार आप लोग ना अभी चेक करना, इसके अंदर ना पानी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, पानी इसके ऊपर से देखें कैसे स्लिप हो रहा है, ये देखें। अच्छा जी अभी हम लोग ज़रा चेक करते हैं, मैंने थोड़ा सा ना इसको 1-1.5 मिनट का टाइम भी दिया है। अब ये देखें टिश्यू पे ना किसी किस्म का कुछ नहीं है, मेरे हाथ से मुझे लगता है थोड़ा सा पानी लगा है इस पे, लेकिन वाइट टिश्यू है बिल्कुल। अब मैं आप लोगों को, मतलब आप लोगों को क्या, मेरा खुद का भी पहला एक्सपीरियंस है, लेट्स सी के ट्रांसफर होती है या नहीं होती। अब यहाँ पे तो ब्लश है ना, पाउडर ब्लश हमने लगाया था, यहाँ पे नहीं लगाऊंगी, यहाँ पे मैं इसको जरा ना लगा के देखूंगी और रब नहीं करना यार, जैसी बात है रब करोगे तो फाउंडेशन उतरनी उतरनी है। हल्का चेक करो, ये फाउंडेशन वाकई में वाटरप्रूफ है। मैं दोनों साइड्स का कंपैरिजन भी करूँ ना, ये वाली साइड और ये वाली साइड, मुझे ऐसा डिफरेंस नहीं लग रहा कि मैंने इस साइड पे कोई पानी डाल के उसको दोबारा से सोक किया है, टिश्यू के साथ साफ किया है, मतलब स्वेटिंग भी होगी ना, तो ये फाउंडेशन ऐसा नहीं है कि ऐसे करोगे और ये फाउंडेशन आपके टिश्यू पेपर पे आ जाएगी। वाकई में इसका जो वाटरप्रूफ वाला सीन है वाकई में है यार। ये आ गई जी हमारी फाइनल लुक इस फाउंडेशन के साथ और वाकई में स्टार ऑफ द शो, डब्बी दिखा रही हूँ फाउंडेशन कितने गई, मैंने खोल खोल के बाहर कर दिया। यार ये फाउंडेशन ना वाकई में वर्थ इट है,
और सस्ती सी है, ज़रूर ट्राई करना, स्पेशली जिनकी वाइट स्किन टोन है ना, क्योंकि इसमें शेड्स आपको ज़्यादा नहीं मिलते। ज़्यादा क्या, मुझे लगता है इसमें शेड आता ही कोई नहीं है, क्योंकि इसके डब्बे के ऊपर ना कोई शेड लिखा नहीं हुआ। जिनकी स्किन टोन की ये फाउंडेशन है उनके लिए तो बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। बहुत प्यारी सी इसकी फिनिश है, लुक बहुत अच्छी है, आपको कंसीलर की जरूरत नहीं पड़ती। अपनी आंखों के नीचे भी ये जो फाउंडेशन है ना, ये बिल्कुल क्रीज नहीं की, अच्छी लगी है यार मुझे। यहाँ पे वीडियो हम लोग करते हैं जी खत्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू गाइस सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें। और कमेंट सेक्शन में मुझे आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आप लोगों को इसके अलावा और किस किस प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए, वो मैं आप लोगों के लिए मंगवा लूँगी और आप लोगों के लिए रिव्यू कर दूँगी। अल्लाह हाफिज़।